हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे WPX पे हम लोग बैकअप्स लेते हैं। जो मेरा साइट होता है, अगर अपने साइट को किसी साइट पे दूसरे साइट पे माइग्रेट करना चाहते हैं या दूसरे होस्टिंग पे हम माइग्रेट करना चाहते हैं, तो कैसे हम अपने वेबसाइट का बैकअप्स लेते हैं। या फिर आपके साइट में कोई इजर आ गया हो, सपोज़ आपके अपने साइट पर वर्क कर रहे हैं, या फिर आपने किसी कोडिंग में किसी कोड में आपने गलत कर दिया, या फिर किसी कोड में आपने मिस कर दिया, फिर आपका साइट जो है एकाएक ब्रेक कर गया, तो आप अपने साइट को कैसे जो है बैकअप्स लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे और अपने डैशबोर्ड पर चलने के बाद हम देखेंगे कि बैकअप में कैसे कैसे हम लोग बैकअप्स ले सकते हैं। अगर अपने साइट को किसी और वेबसाइट पे किसी और होस्टिंग पे माइग्रेट करना हो तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम खुद, अगर मेरा साइट जो है ब्रेक कर गया हो, इसी साइट पे अगर हम चाहते हैं कि खुद से अपने वेबसाइट को सही कर ले, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप WPS के सर्विस एरिया में आइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बैकअप्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है फाइल मैनेजर के नीचे बैकअप्स का ऑप्शन दिखेगा। बैकअप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये जो एक डैशबोर्ड ओपन होगा कि सेलेक्ट द वेबसाइट। आप किस वेबसाइट को जो है किस वेबसाइट का जो है आप बैकअप्स लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चलेंगे और मेरा जो वेबसाइट है hindiforest.com, हम उसका बैकअप्स लेना चाहते हैं। तो इसके लिए तो तीन ऑप्शंस है आपके पास। इसके लिए सबसे पहले आपको बैकअप जो है पर्सनल बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं हमारा जो, अगर आप अपने वेबसाइट को या WPX होस्टिंग से किसी और होस्टिंग पे अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पर्सनल जो है एक बैकअप्स लेना पड़ेगा, बैकअप्स क्रिएट करना पड़ेगा। या नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर आज मेरा साइट ब्रेक कर गया, हम चाहें तो कल जो मेरा साइट था, उस जो मेरा साइट कल जो रन कर रहा था, उस पर मेरा साइट जो है कल कल के इस पर एक्टिव हो जाए, तो वैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ये देखिए डेट शीट आपको दिख रहा होगा। डेट शीट मतलब ये है कि हमारा साइट जो है आज 19 तारीख है, 19 तारीख का जो है अभी बैकअप नहीं हमारे पास आया है, बट 18 तारीख का जो है मेरे पास बैकअप्स आ गया है, 17 का आ गया है। तो अगर मेरा वेबसाइट जो है 18 तारीख के डेट में ब्रेक कर गया है, या फिर मेरा साइट पे किसी ने अटैक कर दिया 18 तारीख के डेट में, तो हम चाहेंगे तो 17 तारीख के डेट का जो है अपने वेबसाइट पे सारा कुछ अपडेट कर लेंगे। तो यही होता है बैकअप्स। अगर हम चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को WPX के होस्टिंग पर से किसी और होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपको बता रहा है कि आप जो ये बैकअप कर रहे हैं, ये आपको कुछ एक पॉपअप मैसेज देगा, इसको आपको ध्यान से रीड करना होगा। उसके बाद जो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके लिए ये बैकअप तैयार कर रहा है, और जो है प्रॉपर आपके वेबसाइट का पूरा एक जो है बैकअप तैयार करेगा, जो कि आपके वेबसाइट का बैकअप मिनिमम 500 MB का होगा। उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करना है विद द मतलब जो है आपके डेटाबेस के साथ, और फिर जो है आपको किसी और होस्टिंग पे उसको वहाँ पे अपलोड करना है, और फिर वहाँ पे आपके जो है कॉन्फ़िगर फाइल को अपडेट करना है, फिर जा करके आपका वेबसाइट जो है माइग्रेट हो पाएगा। बट यहाँ पे हम इन केस में यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग जो है डेट वाइज जो है अपने साइट को अपडेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मेरा जो है वेबसाइट 13 तारीख के डेट में जो है किसी ने अटैक कर दिया मेरे साइट पे साइबर इसके द्वारा, तो फिर हम जो है 12 तारीख के डेट वाला जो मेरा साइट जो 12 तारीख में जो रन कर रहा था, उस डेट का वेबसाइट जो है हम जो है वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडिशनल जो है बेनिफिट मिल जाता है हमको WPX के द्वारा, कि हमारा साइट जो है ब्रेक करता है तो हमें साइट री जो है दोबारा से नहीं बनाना पड़ता है। जो हमने इतनी सारी मेहनत की है अपने वेबसाइट के लिए, जो हमने ब्लॉग पोस्ट किया है, जो हमने वेबसाइट बनाई है, जो हमने इतना मेहनत किया है, वो हमारा एक बार में बेकार नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है बैकअप्स लेते हैं वेबसाइट का। जो आप होस्टिंग लेते हो, अगर आप बैकअप्स का उसमें ऑप्शन रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है एडिशनल इन्फॉर्म मतलब जो है बेनिफिट्स रहता है हमारे लिए। तो गाइज, मेरे मेरे बताने का मतलब ये था कि बैकअप्स आखिर होता क्या है, बैकअप्स हम क्यों लेते हैं वेबसाइट का, मतलब जो है बैकअप से हम क्या करते हैं, बैकअप्स क्या होता है, और WPX बैकअप्स आखिर है क्या, WPX में जो बैकअप मिलता है आखिर हमको क्यों मिलता है, और ये इतना कॉस्टली क्यों होता है। WPX जो वर्डप्रेस होस्टिंग है, अगर आप अदर जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वहाँ से अगर आप WPX को कंपेयर करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। बट महंगा पड़ने का रीज़न भी है, यहाँ पे आपको बैकअप्स मिल जाता है, आपका साइट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है। आप किसी भी डेट को अगर आपका साइट ब्रेक कर गया, या फिर आपके वेबसाइट पे हैवी ट्रैफिक्स आ गया, अगर आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोग का ट्रैफिक आ रहा है, भीड़ आ रहा है, तो किसी ने आपके साइट पे अटैक मार दिया, तो उस रीजन में क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी डेट का जो है आप एक बैकअप लेकर के अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाती है। तो ऐसे करके हम अपने वेबसाइट का जो है बैकअप्स लेते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अभी अपने वेबसाइट का बैकअप नहीं लिया है, क्योंकि मेरा वेबसाइट अभी जो है फुल्ली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अटैक्स नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसे करके यहाँ पे जो है 11 पे या फिर 18 पे क्लिक करके
जैसे आप यहाँ पे इसके आईडी को कॉपी करके रख लेना, और यहाँ से देखो जैसे नीचे स्क्रॉल कर रन द वेबसाइट रिस्टोर प्रोसेस, तो 18 तारीख के डेट में जो आपका वेबसाइट था उसी पे आपका वेबसाइट जो है रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन भी, आप क्या क्या रिस्टोर करना चाहते हो, आप ईमेल रिस्टोर करना चाहते हो, अगर सपोज आपने ईमेल जो है आपका डिलीट हो गया आज के डेट में जो है, तो फिर 18 तारीख को हमारे कौन कौन से मेल्स आए थे तो उसको भी आप रिस्टोर कर सकते हो। माई एसक्यूएल डेटाबेस में अगर आपने कोई प्रॉब्लम कर ली है, डेटाबेस आपका जो है चेंज हो गया, डेटाबेस में आपने अपनी छेड़खानी कर दिया है, तो उस रीजन में भी आप जो है डेटाबेस को भी आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं। जो प्रीवियस डे में हमारा जो है डेटाबेस कैसा मतलब सही वर्क कर रहा था, तो उस डेट का जो है आप डेटाबेस जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं। एम्प्टी फाइल जो है आप जैसे पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा सारा फाइल जो है स्टोर रहता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ से, आप खुद से भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑप्शन देख रहे हैं आप, जैसे टिक मार्क कर रहे हैं तो सारा कुछ आ जा रहा है। तो यहाँ बस एक क्लिक करना है आपको, आपका साइट जो है उस डेट में जो है रिस्टोर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।